तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पर अभी क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस कितना है देखेंगे जरा, 1, 2, 3 और 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 by 5 का मैट्रिक्स है। देन वी शुड हैव हेयर कितनी लाइंस, वी शुड हैव हेयर 5 लाइंस, बट स्टिल 5 5 लाइंस आर नॉट देयर, दैट्स वाई वी नीड टू इम्प्रूव। और इम्प्रूव के बाद जैसा कि हमने बात करी कि हमें क्या करना है, इम्प्रूव करने के बाद हमें वापस टर्न लेकर के वापस आना है, और वापस के बाद हमें बेसिकली ये सारे स्टेप्स को जब तक रिवाइज करते रहना है जब तक कि हमारा नंबर ऑफ लाइंस इतनी ना हो जाए कि वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। और अगर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गई तब जाकर के हमें सोल्यूशन को एंड करना है, ठीक है। नाउ वी नीड टू लर्न द स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अब हमें, हम क्या चाहते हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं चीजों को, और इम्प्रूव करने के लिए अब हमें उन स्टेप्स को सीखना है, ठीक है। तो अभी हम उन स्टेप्स को लिखेंगे भी, लॉजिकली समझेंगे भी, सारी चीजों को बेसिकली समझते हैं, ठीक है। अब पहले हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि यार नंबर ऑफ लाइंस जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती हैं तब कहीं जाकर के हमें ये पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है। और हमें क्यों पता, हम क्यों कह पाते हैं जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो जाती है हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तब हम क्यों कह पाते हैं कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तब हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह पाते हैं कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, हमने एक चीज बताई थी, वेयर वन लाइन इज इक्वल टू वन असाइनमेंट, है ना। एक लाइन क्या बता रही है, एक लाइन बता रही है एक असाइनमेंट, है ना। हमें कितने असाइनमेंट छांटने थे, ये हमारा 5 by 5 का मैट्रिक्स है, 5 by 5 के मैट्रिक्स में हमारे पास 25 ऑप्शंस हैं, और इन 25 ऑप्शंस में से हमें 5 ऑप्शंस जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ऐसा हमें पता है, ठीक है। इफ वी वांट टू चूज 5 बेस्ट सुटेबल सिलेक्शंस देन वी आर हेयर हैविंग ओनली 4 सिलेक्शंस जस्ट बिकॉज वन लाइन रिप्रेजेंट वन असाइनमेंट। एक लाइन क्या बताती है, एक असाइनमेंट को, क्यों, क्योंकि तो जैसे यहाँ पर डमी है या शट डाउन वाला ऑप्शन है, तो हमने कहा कि डमी या शट डाउन के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस थिंग है वो क्या है, सबसे मिनिमम है। तो हम डमी के लिए या शट डाउन के लिए किसी भी एक फैक्ट्री को शट डाउन कर सकते हैं। यानी कि हम जब भी बेसिकली असाइनमेंट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं तब आपने देखा कि हम हर बार जीरोज को चूज कर रहे होते हैं, जहां पर एक सिंगल जीरो होता है उसे हम पहले चूज करते हैं। सिंगल जीरो को चूज करने के पीछे हमने क्या लॉजिक डिस्कस किया था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टास्क ऐसा होता है जिसे एक पर्टिकुलर बंदा ही मिनिमम कॉस्ट पर कर सकता है। तो जब आपके पास एक टास्क को करने का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो पहले आप उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप किसी और कॉम्बिनेशन पर जाएंगे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर डमी के पास जीरो कि जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो 5 है, तो इट मींस के यहाँ पर ये वाला जो शटडाउन वाला ऑप्शन है वो 5ों में से किसी प्रोडक्ट के लिए भी सूटेबल हो सकता है, बट 5ों में से किसी एक, यानी कि वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस, 5 जीरोज आर रिप्रेजेंटिंग वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस, बट आउट ऑफ सच 5 ऑप्शंस वी विल ओनली टेक क्या, ओनली टेक 1 ऑप्शन, इसमें से हम सिर्फ सिर्फ क्या एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी कि ये 5 जीरो का होना भी एक ऑप्शन के सिलेक्ट होने के बराबर है ना। यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो हैं, और इन दोनों से बनेगा तो कोई भी एक ही ऑप्शन, है ना। इसी तरह से यहाँ एक सिंगल जीरो है, यहाँ से एक ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से बनेगा कोई एक ही ऑप्शन। दैट्स वाई इस वाले असाइनमेंट से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, कोई भी 4 हम एलोकेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 एलोकेशंस नहीं बन सकती क्योंकि एक लाइन बराबर एक असाइनमेंट, है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, दैट्स वाई वी कैन हैव ओनली 4 एलोकेशंस आउट ऑफ सच मैट्रिक्स। तो इसमें इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट क्यों की जा रही है,
ताकि हमारे पास एक लाइन फालतू आ जाए, एक लाइन कम है, एक लाइन फालतू आ जाए, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक लाइन फालतू आ जाए, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक एलोकेशन और मिल जाए, क्योंकि चार एलोकेशन तो हम बना चुके हैं और एक एलोकेशन और मिल जाए, यानी कि वी नीड वन मोर एलोकेशन। और जो एलोकेशन हमें चाहिए, टेक्निकली अगर आप सोचें तो ये वाले सारे नंबर्स एलोकेटेड हैं, इनमें से अगर ये डमी एलोकेट हो जाएगी, अगर डमी एलोकेट हो जाएगी तो इन बाकी की सारी कॉस्ट का कोई भी रेलिवेंस हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हमने एक लाइन खींची है। ठीक है, इसी से अगर मैं फैक्ट्री फोर के की बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट डमी दोनों में से कुछ भी एक किया जा सकता है, बट अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया गया तो प्रोडक्ट फैक्ट्री फोर और किसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखेगी, इसीलिए ये वाले सारे नंबर्स हमारे लिए बेकार है ना। ऐसे ही यहाँ पर फैक्ट्री फाइव के लिए भी यही है। तो हम जब कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें तो कौन से फिगर्स में से या कौन से नंबर्स में से हम अब कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर लाइंस के थ्रू कवर होने से रह गया, एक इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि सारे जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जो लाइंस के थ्रू कवर्ड एलिमेंट है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो असाइनमेंट वाली रो या कॉलम में आते हैं, और अगर उस रो या कॉलम में एक असाइनमेंट हो गया तो वन टू वन रिलेशनशिप के चलते हम उस रो या कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते। यही बात है भाई, अगर इस रो में एक असाइनमेंट हो गया आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो दिस एट टू एंड सिक्स विल बी यूजलेस फॉर अस, है ना। दैट्स वाई इनको हमने लाइन से कवर कर दिया कि ये सारे के सारे इररेलीवेंट है, भले ही यहाँ पर दो जीरो ही है उनमें से ही कोई सिलेक्ट करेंगे लेकिन बाकी सारे इररेलीवेंट हो जाएंगे हमारे लिए। ये हमने बेसिकली इस चीज से आइडेंटिफाई किया। तो अगर ये सारे जो लाइन्स के थ्रू कवर्ड एलिमेंट्स हैं ये सारे हमारे लिए इररेलीवेंट हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सिलेक्शन करना चाहिए वो किसमें से करना चाहिए, जो एक और एलोकेशन बनेगी वो बनेगी बचे हुए सेल्स में से, है ना, जो लाइंस के थ्रू कवर नहीं हो पाए, यानी कि जिन पर कोई असाइनमेंट नहीं बन पाया उन सेल्स में से ही हम कोई एलोकेशन अब कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, सिंपल सी बात, ढूंढने वाले हैं फिफ्थ एलोकेशन, उसके लिए हमें किसे कंसीडर करना है, 6 4 7 7 1 4 2 4, इनमें से कोई एक नया एलोकेशन बनाएगा, ये हम कह सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अनकवर्ड एलिमेंट्स है ना, यानी कि लाइंस के थ्रू कवर एलिमेंट में से जो कवर नहीं हुए लाइंस के थ्रू, उन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट हमारे लिए नई एलोकेशन आइडेंटिफाई करवाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ आई बात यहां तक? तो अगर आपने ऐसी बात समझी तो आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स लिखेंगे, और स्टेप लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेपरेट पेज ले लेंगे, क्योंकि जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं, जिस पेज पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पेज के नीचे तो हम अब क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सेपरेटली किसी सेपरेट पेज पर आप स्टेप्स लिखना चालू करेंगे, इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट हेडिंग डालें, हेडिंग क्या डालेंगी, स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट हेडिंग डालें फटाफट से, दैट इज स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, सबसे पहला स्टेप मैं यहां लिख भी देता हूं साथ साथ, ठीक है, और आप भी लिख लें, स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स क्या है मैं लिख देता हूं, मैं एक एक करके स्टेप लिखाता जाऊंगा और एक एक की रेलिवेंस ही बताता जाऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप आप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल्स। क्या हुआ, आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल्स। अनकवर्ड सेल्स कौन से होते हैं, अनकवर्ड का मतलब है नॉट कवर्ड बाय लाइन्स, है ना, नॉट कवर्ड बाय लाइन्स।
ठीक है, अनकवर्ड का मतलब है सेल्स नॉट कवर्ड बाय लाइंस, समझ आया यहां तक? ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल्स, यानी कि इस वाले असाइनमेंट में से, इस वाले मैट्रिक्स में से हमें क्या करना है, अनकवर्ड सेल्स में से मिनिमम वैल्यू सेल आइडेंटिफाई करना है। तो फटाफट बताएं कौन सा है अनकवर्ड, अनकवर्ड सेल कौन से हैं, 6, 4, 7, 7, 1, 3, 4, 2, 4, इनमें से मिनिमम वैल्यू वाला सेल कौन सा है, 1, है ना, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ना। पहला स्टेप ये था कि आपको अनकवर्ड सेल्स में से मिनिमम वैल्यू सेल आइडेंटिफाई करना है। क्यों, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, अनकवर्ड में से ही क्यों करना है, उसके लिए हमने लॉजिक डिस्कस किया, क्योंकि जो सेल्स लाइंस के थ्रू कवर हो गए वो असाइनमेंट के अंदर आ गए, यानी कि ये वाले सेल्स जो यहाँ पर जो कॉस्ट दिख रही है 8, 2, 6, ये लाइंस के अंदर कवर्ड है, है ना, लाइंस के अंदर कवर हो गए तो वो असाइनमेंट के अंदर आ गए, यानी कि फैक्ट्री 4 में आइदर टी और कोई और, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल है ना। बट अगर हम फैक्ट्री 4 में प्रोडक्ट पी को बना लेंगे तो क्या होगा, हम फैक्ट्री 4 में एन आई और ओ को नहीं बना पाएंगे, ये भी फैक्ट बात है, इसीलिए ये वाले ऑप्शन जहां पर कॉस्ट दे रखी है ये वाले ऑप्शन इररिलेवेंट हो ड्यू टू 1:1 रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट बात है आपको जो समझनी चाहिए, है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं, यानी कि पहली चीज आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल, अनकवर्ड में से ही क्यों, इसका लॉजिक बता दिया, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से ही किया जा सकता है, फर्दर असाइनमेंट जो हमारा एक असाइनमेंट शॉर्ट रह गया है उसे हम वहीं से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मिनिमम ही क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है हमारा तो भी हमने उस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि आप जब भी करते हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव या ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका, वो क्या है, मिनिमाइजेशन, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है तो यू शुड आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू सेल, है ना, क्योंकि अगर ये कॉस्ट का डाटा है देन यू शुड ऑलवेज वॉन्ट क्या कि आपकी कॉस्ट कम से कम लगे, और सबसे कम कॉस्ट एक तो आप चार्ट सेलेक्ट किस में से कर सकते हैं, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, और अनकवर्ड में से जो सबसे कम है आप उसे ही सिलेक्ट करना चाहेंगे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डिक्रीज रिड्यूज योर कॉस्ट, ओके, ठीक है। दैट्स वाई आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल्स, है ना, ये हो गया आपका पहला स्टेप। नाउ जस्ट राइट सेकेंड स्टेप, डिडक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अनकवर्ड सेल्स, ठीक है, हमें और क्या करना है, डिडक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अनकवर्ड सेल, यानी कि ये जो वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करी, कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई करी आपने, आपने आइडेंटिफाई करी वैल्यू 1, 1 को सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से डिडक्ट कर दें, ठीक है। नाउ आई विल यूज ग्रीन पेन फॉर दिस थिंग, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई हो हम लोगों को। तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि उस मिनिमम वैल्यू को सारे अनकवर्ड सेल्स में से डिडक्ट कर दें, पहले ये कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप अगर ये मतलब अभी तो आप कॉपी ना करें बेसिकली, लेकिन जब भी आप कॉपी करेंगे उसके ऊपर आप लिख देंगे, क्या आप लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो आप ये लिखेंगे, सेकंड उसमें सेकंड मैट्रिक्स अगला मैट्रिक्स बनाने के लिए, सो उसके बाद आप लिखेंगे सो मैट्रिक्स आफ्टर इंप्रूवमेंट इज एज अंडर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, सो मैट्रिक्स आफ्टर इंप्रूवमेंट इज एज अंडर, आप ऐसे लिखेंगे साथ साथ, है ना, सो मैट्रिक्स आफ्टर इंप्रूवमेंट इज एज अंडर, और जो भी ये काम कर रहे हैं डिडक्शन का और जो भी मैं आगे और स्टेप्स बताऊंगा वो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स जो इसके बाद बनेगा उसमें करेंगे, है ना, एज अंडर, ठीक है। तो अभी आप कॉपी ना करें, जब ये मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा देन आई विल गिव यू टाइम फॉर कॉपिंग, ठीक है, तो हम तब कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ हम वो रिवाइज्ड मैट्रिक्स ही बना रहे हैं, वो रिवाइज्ड मैट्रिक्स ही बन रहा है अभी आपका, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, डिडक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अनकवर्ड सेल. नाउ आई विल यूज ग्रीन के हम उसे क्या करेंगे, अनकवर्ड सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे, है ना. तो अनकवर्ड सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे. यहाँ पर 6 माइनस 1 वॉट विल वी हैव 5. फिर यहाँ पर 4 माइनस 1 3. देन अगेन 7 माइनस 1 6. ठीक है, 7 माइनस 1 6. 1 माइनस 1 0. ऑल वैल्यूज लिखा है ना, तो इंक्लूडिंग दिस वैल्यू. 3 माइनस 1 2. 4 माइनस 1 3. 2 माइनस 1 1. एंड 4 माइनस 1 3, है ना. तो ये आपने डिडक्ट कर दिया, जितना काम सेकेंड स्टेप में बोला गया वो आपने यहां पर कर दिया, है ना. तो यहां पर हो गया 5 3 6 6 0 2 3 1 3 इस सेकेंड स्टेप को परफॉर्म करने के बाद. ठीक है, हमने इसे डिडक्ट क्यों करवाया, अब देखें जहां पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी जब आप सिलेक्शन करते हैं, व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग असाइनमेंट मैट्रिक्स, देन यू विल ऑलवेज सिलेक्ट क्या, वैल्यू सेल्स हैविंग वैल्यू 0, है ना. 0 वैल्यू सेल वाले को आप सिलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि 0 इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट, है ना. हमने ये डिस्कस किया था कि जहां जहां 0 है वहां वहां मिनिमम कॉस्ट है. तो अगर यहां मिनिमम कॉस्ट है तो बाकी सारी मिनिमम कॉस्ट के कॉम्पेटेबल बनाने के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि हम इसे भी 0 बना दें, ताकि सारी मिनिमम कॉस्ट के कॉम्पेटेबल ये बन जाए और जब हम नेक्स्ट टेबल में, नेक्स्ट मैट्रिक्स में सिलेक्शन करने जाए तो इसको भी कंसिडरेशन में इजीली ले पाए. समझ आ गई बात. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 0 बना दिया, यहाँ पर इसको इसमें से डिडक्ट कर दिया, ऐसे करके ये 0 हुआ. उसके बाद आगे क्या करते हैं, आगे करना है थर्ड थिंग, थर्ड स्टेप. योर थर्ड स्टेप विल बी एड, रेड से लिख रहा हूं, ग्रीन ब्लैक से लिख रहा हूं, एड दिस वैल्यू टू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइंस. क्या लिखा गया, इस वैल्यू को कहां ऐड करना है, ऐड दिस वैल्यू टू द पॉइंट्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइंस, है ना. लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर इस वैल्यू को ऐड करना है. नाउ आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन. लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं, ये वाले जहां पर लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, है ना, ये वाले. ठीक है, ये पहली बात, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं. इनमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को ऐड कर देना है. कौन सी वैल्यू को, जो वैल्यू यहां आइडेंटिफाई करी थी, और वो वैल्यू कौन सी थी, 1, है ना, जिसे आपने यहां ग्रीन वाले सेल्स में से डिडक्ट किया. तो आपका जो वैल्यू थी वो थी 1, और आप अब उसे क्या कर सकते हैं, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर ऐड कर सकते हैं. तो यहां पर वैल्यू क्या है, 2. 2 में अब मैं इसे रेड से लिख दूंगा. ठीक है, 2 + 1 3, है ना. यहां पर क्या आ जाएगा, 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, ये उसके बाद 6 + 1 इज इक्वल टू 7. ठीक है ना, 6 + 1 इज इक्वल टू 7. ठीक है, उसके बाद 0 + 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 एंड 1, ये. ठीक है, इस स्टेप का लॉजिक सीखेंगे 2 मिनट रुक करके. ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेप है आपका. फोर्थ स्टेप लिखेंगे, रिमेनिंग सेल्स विल रिमेन सेम. ठीक है, जो बाकी बचे सेल्स हैं वो सेम जैसे थे वैसे ही रहेंगे. तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे को हम ब्लैक से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 002. यहां लिख देता हूं मैं 002, ये वाला सेल था रिमेनिंग, तो 002. फिर उसके बाद 80, 8 and 0. ठीक है, उसके बाद 0660,
जीरो सिक्स सिक्स जीरो, उसके बाद क्या है जीरो जीरो जीरो, ठीक है जीरो जीरो जीरो। अब ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट, है ना, यानी कि जो पुराना मैट्रिक्स था उसकी वैल्यूज में कुछ चेंज किया गया और ये जो बन गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गया मैट्रिक्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे मैट्रिक्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट। जहां पर आपको ग्रीन पेन दिख रहा है वहां पर हमने माइनस किया है, जहां पर रेड पेन दिख रहा है वहां पर हमने एड किया है, और जहां पर ब्लैक पेन है वहां पर क्या है, वहां पर जो वैल्यूज जैसी थी वैसी की वैसी ही पुट की गई है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि एड दिस वैल्यू टू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन, ये इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमने एक लॉजिक नहीं सीखा था किसका, एड दिस वैल्यू टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। नॉर्मली क्या होता है, जो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जहां पर लाइन कट करती है उनको हम कहते हैं कॉमन असाइनमेंट, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, कॉमन असाइनमेंट। कॉमन क्यों, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से ये 3x3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, है ना। आप इस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ वो वैल्यूज लिख रहा हूँ आफ्टर रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, एंड लेट सपोज द वैल्यूज आर दी, वैल्यूज आर दीज, ठीक है। ठीक है ना, ये वैल्यूज है आफ्टर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ये वैल्यूज आफ्टर रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन है, देन वी कैन सी हियर वी आर हैविंग 10 इन एवरी रो, एटलीस्ट 10 इन एवरी रो, यस वी आर आल्सो हैविंग एटलीस्ट 10 इन एवरी कॉलम, है ना। व्हेनेवर वी ड्रॉ लाइंस हियर, ठीक है, तो लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो कितनी होंगी, 2, है ना। 3x3 का मैट्रिक्स है तो लाइंस कितनी ड्रॉ होनी चाहिए थी, 3, लेकिन अब यहां पर जो लाइंस ड्रॉ हुई 2, ठीक है। अब जो लाइंस ड्रॉ हुई 2 इसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ दो असाइनमेंट मिल सकते हैं मैक्सिमम, है ना। यही कहा था ना, 1 line is equal to 1 assignment। अगर यहां पर 2 assignment मिल सकते हैं तो लेट्स से मैंने एक असाइनमेंट ये चूज कर लिया, लेट्स सपोज ये चूज कर लिया, ठीक है, ये चूज किया, देन आई हैव टू कैंसल ऑल दीज यू कैन से वैल्यूज, ठीक है, जीरोज, देन आफ्टर दिस आई कैन चूज एनी वन आउट ऑफ दीज टू अवेलेबल जीरोज, तो लेट्स से मैंने ये वाला चूज कर लिया, देन आई विल कैंसल दिस, ठीक है। तो ये 2 assignment मिल जाएंगे मुझे, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन ये जो कॉमन असाइनमेंट है ना, बाय चांस जस्ट इन केस, क्योंकि ये रो वाइज भी कॉमन है और कॉलम वाइज भी कॉमन है, बाय चांस जस्ट इन केस हम इसे सेलेक्ट कर ले, कर सकते हैं, जस्ट इन केस हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जस्ट इन केस अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन द रो एंड कॉलम विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड, ठीक है, एंड योर टू असाइनमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल असाइनमेंट, है ना। यानी कि अभी तो आपको लग रहा था कि वर्कमैन 1 को टास्क ए देना चाहिए, वर्कमैन 3 को टास्क सी दे देना चाहिए, बट इफ यू सिलेक्टेड वर्कमैन 1 को टास्क सी और वर्कमैन 1 और कोई टास्क नहीं कर पाएगा, और टास्क सी को और कोई वर्क, है ना, तो बेसिकली हमने कैंसिल कर दिया, तो रो और कॉलम ऑटोमेटिकली इस कॉमन असाइनमेंट की वजह से कैंसिल हो गए, है ना। 2 assignment बन सकते थे, वहां उसकी जगह कितने असाइनमेंट बन पा रहे हैं, सिर्फ 1, है ना। दैट्स वाई ये कॉमन असाइनमेंट क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, कॉमन असाइनमेंट नॉर्मली 2 assignment की वैल्यूज को अब्सॉर्ब कर लेता है, 2 assignment के फिगर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, उस कॉमन असाइनमेंट को नॉर्मली नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज एड करते जाते हैं, ताकि फर्दर जब हम इम्प्रूव करें तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर वो कॉमन असाइनमेंट आने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो। समझ आ गई बात, ठीक है, सिंपली, और कोई उसका लॉजिक ज्यादा नहीं था। यहाँ 2 0 थे, दोनों 0 को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 में, और यहाँ पर कुछ जो वैल्यूज थी उनमें भी हमने पॉसिबिलिटी को बेसिकली रिमूव कर दिया कि आगे यहाँ पर कोई कॉमन असाइनमेंट आए, ठीक है।
इसीलिए बेसिकली हमने वो जीरो जो भी एलिमेंट था उसे इंटरसेक्शन पर ऐड किया, बाकी ऐसा कोई उसका लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो हमने बात कर ली यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट के बाद का मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इम्प्रूव तो कर दिया, इम्प्रूव करने के बाद वी हैव टू गो बैक एंड ऑप्टिमेलिटी चेक लाइन ऑपरेशंस, फिर वी विल हैव टू चेक नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स अगेन रिपीटेड। तो चलो देखते हैं कि अभी क्या होता है, लाइन ऑपरेशंस करें। नाउ यू कैन कॉपी दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मैं साथ साथ इसको लिख देता हूँ, मैट्रिक्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट इज एज अंडर विद लाइन ऑपरेशन, है ना। मैं लिख देता हूँ इसको विद लाइन ऑपरेशन, विद लाइन ऑपरेशन। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि याद रहे कि अब अभी हम लाइन ऑपरेशन भी लगा देंगे। फटाफट से कॉपी कर लें इसे, दो मिनट में करें। मैं हट जाऊं, लो हट गए। आ जाए, हो गया कॉपी। चलिए, तो कॉपी आपका हो गया, ये कॉपी हो गया। तो अब मैं क्या करूं, लाइन ऑपरेशंस लगा दूं इस पर। बताओ कौन कौन सी लाइंस खींचूं। पहले तो सर आप ये वाली लाइन खींच दो जो डमी में तीन जीरो दिख रहे हैं। ओके, तो ये लाइन खींच देते हैं हम। पहले तो ये वाली लाइन खींच देते हैं जो मुझे डमी में तीन जीरो दिख रहे हैं, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद सर आप ये वाली लाइन खींच दो, आई के आई वाले कॉलम में दो जीरो दिख रहे हैं। ठीक है, ये खींच दिया। उसके बाद मैं क्या करूं, सर ये फाइव वाली रो में दो जीरो दिख रहे हैं, ये खींच दो। लीजिए, ये भी खींच दिया। उसके बाद मैं क्या करूं, सर ये दो जीरो दिख रहे हैं पी वाले कॉलम में, इसको खींच दो। ये लीजिए, ये भी मैंने खींच दिया ये। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू चेक कोई जीरो बचा है, नहीं कोई जीरो कवर होने से नहीं बचा। सेकंड थिंग, वेदर द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नो नो अगेन, है ना। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी भी ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो मैट्रिक्स आफ्टर फर्दर इम्प्रूवमेंट, है ना, मैट्रिक्स आफ्टर फर्दर इम्प्रूवमेंट, मैट्रिक्स आफ्टर फर्दर इम्प्रूवमेंट विद लाइन ऑपरेशंस विल बी एज अंडर। यानी कि अब हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या होगा, आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल्स। ठीक है, मिनिमम वैल्यू सेल फ्रॉम अनकवर्ड सेल। तो अनकवर्ड सेल्स कौन से हैं, ये वाले। इनमें से मिनिमम वैल्यू सेल कौन सा है, ये वाला, है ना, वन। ये वाला सेल मिनिमम वैल्यू सेल है, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। देन अगेन डिडक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अनकवर्ड सेल्स, अनकवर्ड सेल्स में से हम इसे डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम कर सकते हैं अनकवर्ड सेल्स में से इसे डिडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे डिडक्ट करेंगे अनकवर्ड सेल्स में से। ठीक है, करें तो फटाफट से आप इसे करें अनकवर्ड सेल्स में से डिडक्ट। यहां पर क्या है, ग्रीन पेन हमें चाहिए, वन फाइव माइनस वन दैट विल बी फोर, टू फाइव, फोर टू फाइव, एट माइनस वन विल बी सेवन, है ना ये। उसके बाद यहां पर थ्री माइनस वन टू जीरो टू फाइव, ठीक है, टू जीरो टू फाइव, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, एड दिस वैल्यू टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन। लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है बताएं आप, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे दिखे ये, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिखे हमें ये और ये। इन पर हमें क्या करना चाहिए, एड कर देना चाहिए इस वैल्यू को। तो ये वैल्यू कितनी थी, एक, इसे लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं ऐड करता हूं, तो सेवन प्लस वन विल बिकम एट, है ना, सेवन प्लस वन बिकम एट, सिक्स प्लस वन बिकम सेवन विल बिकम सेवन, ठीक है, ये सेवन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, वन प्लस वन विल बी टू, है ना, तो ये हो गया आपका। और जो बाकी की वैल्यूज है, रिमेनिंग सेल्स विल बी सेम,
है ना। तो रिमेनिंग सेल्स जो है हमारे कौन कौन से हैं, वो ब्लैक से आइडेंटिफाई किया था हमने, ये एक तो जीरो है, ठीक है, सबसे पहले इसे लिखते हैं जीरो, ठीक है। उसके बाद 0023, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, तो 0023 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 0023। उसके बाद लिख दूंगा मैं 6020, है ना, तो ये मिटा दिया तो मैं लिख दूंगा 6020, 6020। उसके बाद मैं लिख दूंगा 0001, है ना, ये 0001, 0001, और यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर लिख दूंगा जीरो, ठीक है। बाकी सेल्स हमारे हो जाएंगे सेम, ठीक है, ये हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइन ऑपरेशंस करने चाहिए फिर से, है ना। तो लाइन ऑपरेशंस जब हम करेंगे फिर से, तो लाइन ऑपरेशंस में आप लाइंस ड्रॉ करें, लाइंस कितनी ड्रॉ होंगी आपकी, सबसे पहले हमें ये लाइन खींच देनी चाहिए या ये वाली लाइन खींचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चार जीरो दिखते हैं, तो मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे चार जीरो दिखते हैं ना, ये खींच दिया। उसके बाद फिर हमें कौन सी लाइन खींचनी चाहिए, ये वाली लाइन खींच दें, यहाँ पर दो दिखते हैं रिमेनिंग अब, ठीक है। अब कौन सी लाइन खींचे, अब ये खींच देते हैं, यहाँ पर दो जीरो दिखते हैं, ये खींच दिया हमने। उसके बाद फिर अब हम क्या करें, फिर हम एक जीरो से ये वाली लाइन खींच दें और एक जीरो से ये वाली लाइन खींच दें, है ना। नाउ वी आर हैविंग फाइव लाइन्स एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो फाइव, ठीक है। देन नाउ वी कैन से दिस इज फाइनल सोल्यूशन। और फाइनल सोल्यूशन आ जाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रिपेयर क्या, असाइनमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, हमें असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो फटाफट से मेरे साथ असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट वाले स्टेप्स की, है ना, ये मिटा दिया हमने, इसे भी मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ये मिटा दिया। अब हम यहाँ पर हम असाइनमेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो बनाए मेरे साथ असाइनमेंट मैट्रिक्स, है ना, तो ये बनाएंगे आप असाइनमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, असाइनमेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, फैक्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्ट्री कौन कौन सी है, एक दो तीन चार पांच, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एन आई पी ओ एंड डमी, है ना, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो फटाफट से मेरे साथ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें, चार दो पांच सात, चार दो पांच सात जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीरो जीरो टू थ्री एट, जीरो जीरो टू थ्री एंड एट। उसके बाद क्या है, सिक्स जीरो टू जीरो सेवन, सिक्स जीरो टू जीरो सेवन। देन वी विल हैव क्या, टू जीरो टू फाइव जीरो, टू जीरो टू फाइव जीरो, ठीक है। उसके बाद जीरो 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 वन टू, है ना। तो असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाएं, क्या करें असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए, आइडेंटिफाई द रो और कॉलम दैट इज हैविंग सिंगल जीरो। तो सिंगल जीरो कौन से रो और कॉलम में दिखता है, आपको कहीं दिखता है किसी रो या किसी कॉलम में सिंगल जीरो, मुझे इस वाली रो में सिंगल जीरो दिखता है, इसे आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी के जीरोस को कैंसिल कर दिया। उसके बाद कहाँ कहीं सिंगल जीरो आपको दिखता है, मुझे इस वाली रो में भी सिंगल जीरो दिखता है, इसे आइडेंटिफाई किया, बाकियों को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या है, इस वाली रो में सिंगल जीरो दिखता है, इसे आइडेंटिफाई किया, बाकियों को कैंसिल कर दिया। अब सिंगल जीरो इस वाली रो में दिखता है, इसे आइडेंटिफाई किया, बाकी को कैंसिल कर दिया, तो बचा हुआ सिंगल जीरो मुझे यहाँ दिखा, है ना। ये हमने असाइनमेंट मैट्रिक्स बना लिया, जिसमें आपने एलोकेशन बता दिया, फैक्ट्री वन पर प्रोडक्ट आई बनना चाहिए, फैक्ट्री टू पर प्रोडक्ट पी बनना चाहिए, फैक्ट्री थ्री पर डमी यानी कि फैक्ट्री थ्री को शट डाउन कर देना चाहिए, है ना, यही था, फैक्ट्री थ्री को बंद कर देना चाहिए,
फैक्ट्री 4 पर प्रोडक्ट टी बनना चाहिए, फैक्ट्री 5 पर प्रोडक्ट एन बनना चाहिए, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। समझ आई यहां तक बात? सिंपल था, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? असाइनमेंट शेड्यूल बना देना चाहिए। असाइनमेंट शेड्यूल बनाना चाहिए? हाँ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में असाइनमेंट शेड्यूल हमसे बनाने के लिए नहीं कहा गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि यू शुड आइडेंटिफाई विच फैक्ट्री इज टू बी क्लोज्ड, दैट्स व्हाई बेसिकली विच फैक्ट्री इज टू बी क्लोज्ड फॉर हैविंग मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। कौन सी फैक्ट्री को क्लोज किया जाए आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है। तो जिस फैक्ट्री पर डमी एलोकेशन आई है उस फैक्ट्री को हमें क्लोज कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं सिर्फ असाइनमेंट शेड्यूल बनाने की बजाय लिखूंगा फैक्ट्री 3 शुड बी क्लोज्ड, फैक्ट्री 3 को बंद कर देना चाहिए। वाई डमी एलोकेशन इज एट फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 3 पर डमी एलोकेशन है इसीलिए फैक्ट्री 3 को बंद कर देना चाहिए, ऐसा हमने बेसिकली बात कर ली। समझ आया? सिंपल था, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, यहां पर आपने किया कि आप इम्प्रूवमेंट्स के स्टेप्स अभी तक सीख लिए कि इम्प्रूवमेंट आपको कैसे लगानी है ना। आपने ये सीख लिया कि इम्प्रूवमेंट कैसे लगेगी, सीख ली इम्प्रूवमेंट लगाते टाइम स्टेप्स क्या क्या होंगे ये हमने किया। तो अभी हमारे फ्लो चार्ट में मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो गई है ना। हमने जिन जिन चीजों के आंसर नो में दिए थे उन सभी चीजों के आंसर अब हमारे, जिन जिन चीजों के आंसर हमने यस में दिए थे उन सभी चीजों के आंसर अगर नो में होते तो क्या होता, हम सीख गए। यानी कि अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती, मिनिमाइजेशन की ना होती, मैक्सिमाइजेशन की होती तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक डमी इंसर्ट करनी पड़ेगी। और अगर ये भी और अगर आगे जाकर के नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर जिसके नो में थे वो इस क्वेश्चन में है, है ना। इस क्वेश्चन में हमने उन तीनों को बाकी दो को रिवाइज भी कर लिया और तीसरे स्टेप इम्प्रूवमेंट को हमने सीख भी लिया। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका हुआ कम्प्लीट, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया ये कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नए क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होंगे, और कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट जो नई बचती हैं वो मुझे सिखानी है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मुझे आपके साथ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं जो रिसेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और जिनको हमें बेसिकली पढ़ना ही चाहिए असाइनमेंट टॉपिक पढ़ते टाइम। बाकी तो असाइनमेंट बहुत आसान है लेकिन कुछ रिसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं वो हमें डिस्कस करने हैं, और वो सारी चीजें हम नेक्स्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आज की क्लास को हम ओवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए।